तो एफ नेट जो भी दाएं डायरेक्शन में होंगे मतलब कि पॉजिटिव एक्सिस में उनको पॉजिटिव ले रहे और जो नेगेटिव एक्सिस में होंगे उनको नेगेटिव ले रहे, क्योंकि जब तक एक वेक्टर क्वांटिटी आपके सामने है तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो इस डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टी साइन ऑफ 60, पॉजिटिव डायरेक्शन में नेगेटिव, पॉजिटिव में तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा टी साइन ऑफ 60 डिग्री, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो प्लस एफ ई मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो हमें निकल रहा है माइनस टी साइन ऑफ 60 डिग्री, क्योंकि एफ ई तो इधर आएगा तो माइनस बनेगा, सही बात है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो माइनस टी साइन 60 लग रहा है, तो ये टी नहीं पता अभी क्या है, तो इसको नाम रखते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि हमने इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया। अब इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ करते हैं तो एफ नेट अलॉन्ग वाई एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या होना चाहिए, वो भी जीरो होना चाहिए, तो एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। तो जो अपवर्ड डायरेक्शन में होंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस में उनको पॉजिटिव ले, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होंगे उनको नेगेटिव ले। तो ऊपर की डायरेक्शन में जो है वो टी कॉस ऑफ 60 डिग्री है, और नीचे वाले डायरेक्शन में जो डब्ल्यू है तो माइनस डब्ल्यू लिखेंगे, मस्ट बी इक्वल टू जीरो।